तो थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं, ये माँ मुरारी डिस्ट्रिक्ट मंडी मंदिर है, पांडवों के टाइम का बना हुआ है। अच्छा, जब जब अज्ञातवास में आए थे पांडव यहाँ, तब उन्होंने मंदिर बनाया था। अभी मैं आया यहाँ नीचे से, वहाँ से मैं आया रोड ये, और यहाँ है आपका गांव बटेड़ा। ऐसा व्यू है यहाँ से रोड का और गांव बटेड़ा, और ये रोड बीच वाला यहाँ से यहाँ जाके मिलता है। आप देख रहे हो दो रोड, नीचे चला जाता है चौकी ठाणा बुलताड़ा, और ये ऊपर वाला डाइवर्ट होता है महात्मा मुरारी के दरबार के लिए। आप लगा रहे हैं यहाँ दुकान? ये दुकाने तो हो गई 20-20 साल हो। ठीक है भाई जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। हेलो, प्रणाम, नमस्ते, मैं हूँ सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी लवाड़, और आज मैं हूँ माँ मुरारी के दरबार में जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी, और काफी सुंदर मंदिर है आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो आज एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ मैं इस मंदिर को, और काफी सुंदर यहाँ का व्यू। अगर आप नियर बाई मंडी, नियर बाई सुंदरगढ़, जाहू, कुठेड़ा, स्मैला, त्रिफाल घाट यहाँ नज़दीक हैं, तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का फ्रंट कैमरा से, सॉरी बैक कैमरा से, और ये माता रानी का दरबार, और यहाँ बैठने के लिए शेड, और आज संडे है तो काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से, बच्चों के लिए झूलने के लिए झूले, और लेके चलते हैं आपको मंदिर की तरफ। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का, और अगर आप कुछ खाने की सोच रहे हैं, कुछ चाय पिए या पकौड़े वगैरह, तो यहाँ हैं दो कैंटीन, एक कैंटीन है इधर और एक कैंटीन है इधर। यहाँ माता रानी का मिलता है प्रसाद चुनरी। और आइए बात करते हैं कैंटीन के मालिक से। तो ये है कैंटीन के मालिक भाई, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ी लवाड़, मेरा चैनल है जो। तो कितने टाइम से आपकी दुकान है यहाँ? मुझे तो 22 साल हो गए। अच्छा,
तो क्या क्या रखते हैं आपके इस कैंटीन में? मंदिर का प्रसाद, जैसे चाय पानी की व्यवस्था। अच्छा, सब कुछ रखते हैं। हाँ जी। और कब खोलते हो कैंटीन? डेली, प्रतिदिन। प्रतिदिन कितने से कितने बजे तक? सुबह 7 बजे से और शाम 8 बजे। अच्छा भैया, मेले वाले कब स्टार्ट होते हैं? मेले सर यहाँ मई महीने में होते हैं। अच्छा, 25-26 तारीख में इसको। ठीक है, 3 दिन का मेला होता है और कुश्तियाँ भी लगती हैं। कुश्तियाँ भी लगती हैं। ठीक है, तो जैसे आप इतने टाइम से यहाँ दुकान कर रहे हैं, तो पिछले साल तो कोरोना की वजह से तो मेरे ख्याल से दुकान तो आपको बंद रखनी पड़ेगी, तो कितना टाइम आप दुकान बंद रखी आपने? 6 महीने। अच्छा, 6 महीने। तो उस टाइम कैसे गुजारा चला आपका? सर करना क्या, तो बिल्कुल घर में होते थे। अच्छा, दुकानें तो बंद थी हमारी। अच्छा अच्छा, तो अभी है बूम, है मतलब कस्टमर अभी आ रहे हैं? हाँ जी, अभी आ रहे हैं। ज्यादा है कि कम है? मतलब थोड़ा, चलो थोड़ा थोड़ा चल पड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, रोजगार चला हुआ। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है, जय माता दी। कैंटीन, अब चलते हैं सिर्फ मंदिर की तरफ और बात करते हैं यहाँ के पुजारी से। तो यहाँ से है एंट्री गेट मंदिर के लिए, ऐसा कुछ है एंट्री गेट यहाँ का। जय माता दी। आइए चलते हैं अंदर और बात करते हैं ऐसे पुजारी से और दिखाते हैं आपको माता रानी के दर्शन। जय माता दी, जय माता दी। कोविड-19 की वजह से यहाँ सील कर रखी है इन्होंने घंटियाँ। तो अगर आप मंदिर आएँ तो मास्क, सैनिटाइज़र और थोड़ा डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का मंदिर का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं, ये माँ मुरारी डिस्ट्रिक्ट मंडी। जय माता दी। तो आइए बात करते हैं यहाँ के पुजारी से और जानते हैं माता के हिस्ट्री, कब ये मंदिर बन के तैयार हुआ और मेलों के बारे में। और अभी नवरात्रि आने वाले हैं 25 से, तो जानकारी लेंगे उनके बारे में। तो दोस्तों, ये है मेरे सामने है मंदिर के पुजारी, तो ये बात करते हैं इनसे। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल, इसका नाम है पहाड़ी लवाड़। जय माता दी। और सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताइए। हाँ जी, जगदीश शर्मा मेरा नाम है, मैं यहाँ 8 सालों से कार्य कर रहा हूँ। और ये मंदिर है पांडवों के टाइम का बना हुआ है। अच्छा, जब अज्ञातवास में आए थे पांडव यहाँ। हाँ जी। तब उन्होंने मंदिर बनाया था। ठीक है, अज्ञातवास में। हाँ, कितना टाइम हो गया इस मंदिर को बने हुए? 1992 में यहाँ कमेटी बनी है। अच्छा, पहले छोटा मंदिर था, वो तो बड़ा बनाया कमेटी वालों ने। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो सर, जैसे कोविड-19 अभी गया नहीं, एक्चुअली कोरोना जिसको बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कितने टाइम मंदिर बन रहा? 10-11 महीने रहा। अच्छा, 10 या 11 महीने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपका जो, आपकी जो कार्यशाली थी या आप अपना गुजारा उस टाइम कैसे करते थे? आप तो हाँ ऑन ड्यूटी है ना, सेल्फ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम आपका मतलब कैसे गुजारा चला? हम यहाँ पूजा तो करनी पड़ती थी। अच्छा, मंदिर खोलते थे मतलब श्रद्धालुओं के लिए बंद था मंदिर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ आते थे? हाँ जी। आप ड्यूटी पे तैनात? ड्यूटी पे। हाँ जी। ठीक है सर, अब मेरे ख्याल से पिछली बारी तो नवरात्रि तो हुए नहीं होंगे? नहीं, पिछली बार नहीं हुए। अच्छा। हाँ जी। तो अब नवरात्रि कब से हैं सर? अब है ये 13 अप्रैल से। 13 अप्रैल से। हाँ जी। तो सर, अब की बार जो नवरात्रों में क्या क्या यहाँ विशेष इंतजाम है? नवरात्रों जैसा पहले से होता है वैसा ही भंडारा भी लगे। लगता है भंडारा यहाँ? 24 नहीं लगता। हाँ। सुबह होता है 11 बजे से शाम को 4 बजे तक। अच्छा। बाकी रात को 7 से 10। अच्छा, रात को 7 से 10। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ कहाँ कहाँ से यहाँ लोग आते हैं माता टेकने? पूरे हिमाचल से यहाँ। अच्छा। श्रद्धालु आते हैं बाहर से भी है। मतलब कितने एकड़ लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए? चलो जैसे संडे का दिन हो गया, मंगलवार का दिन है, उस समय तो 1000 से ऊपर आ जाते हैं। 1000 से लोग ऊपर। तो सर, आप कुछ विशेष या जैसे जो श्रद्धालुओं को नहीं पता है या मेरे व्यूअर है उनको नहीं पता है मंदिर के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे आप? कैसा मतलब? मतलब जैसे यहाँ कुछ माखन या घी चढ़ता है उसको आप? घी जैसे ज्योत के लिए चढ़ाते हैं लोग। अच्छा। उन्होंने मनोकामना की होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके लिए फिर लोग घी चढ़ाते हैं तो। अच्छा। हाँ जी। तो पंडित जी, हमें बताइए कि मंदिर खुलने और बंद होने का क्या टाइम है, टाइमिंग क्या है?
सुबह 6 बजे खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, सुबह 6 बजे खुलता है और रात को 9 बजे। और पंडित जी, हमें मूर्ति के बारे में बताइए, अंदर जैसे मंदिर में आप बता रहे हैं कि कौन कौन सी मूर्ति है माता रानी के अंदर? जो सामने दो मूर्तियां छोटी, वो मुरारी माता की है। अच्छा, आपको मैं जूम करके बता देता हूँ, ठीक है? हाँ जी। और जो साइड में है वो काली माता की है। अच्छा, वो काली माता की है, ठीक है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। जय माता दी। तो यह है माँ मुरारी के पीछे का व्यू, और यहाँ है काफी नीचे गांव जिनको एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से गांव हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। अच्छा, ये जो मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, ये है घांगनू गांव, ठीक है जी। घांगनू गांव यहाँ के लिए, यहाँ से रोड है यहाँ ऊपर के लिए, मंदिर के लिए रास्ता है जो पकड़ लिया है नीचे से। अच्छा 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 अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये पैदल रास्ता, ये जो पगडंडी आप देख रहे हैं, पंडित जैसे बता रहे हैं, ये पगडंडी यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, और ये सामने मेरे ख्याल से सुंदरगढ़ है ना? ये सामने सुंदरगढ़। हाँ, ये सुंदरगढ़ का व्यू। ये आप देख रहे हैं लंगर हॉल, और ये पौड़ी जाती है नीचे, और ऐसा कुछ है यहाँ का लंगर हॉल। लंगर मेरे ख्याल से स्टार्ट है यहाँ। अच्छा, तो कितने से कितने बजे तक होता है मंदिर लंगर? 10 से 4। ठीक है, भाई जी बता रहे हैं, यहाँ ऊपर ही भाई जी हैं, और ये बोल रहे हैं कि 10 से 4 डेली लंगर मिलता है यहाँ ना? ठीक है, और लंगर आए तो जूते यहाँ उतारे हैं, और ये कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग नहीं हो रही है यहाँ, ये बोल रहे हैं कीर्तन हॉल है ना, कीर्तन हॉल बन रहा है भाई। अच्छा, कीर्तन हॉल बन रहा है, ठीक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दातिये चाहे तार दातिये ऐसा छड़ना नी तेरा दरबार, दातिये ऐसी छड़ना नी तेरा बार, दातिये ऐसा बार बार आना, ऐसा रोज रोज आना, ऐसा छड़ना नी तेरा दरबार, दातिये चाहे मार दातिए चाहे तार दातिए, वैसी छड़ना नी तेरा दरबार, दातिए वैसी छड़ना तेरा दरबार, दातिए। तो ये आंटी जी थे मेरे साथ जो गा रहे थे भेंट, तो धन्यवाद आपका आंटी जी, ठीक है। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, आप मेरे चैनल को पहाड़ी लबाड़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँगा, और स्टे सेफ स्टे हेल्थी। जय माता दी।